Hello everyone, welcome to my channel. Aaj main leke aayi hu crochet flower design. Multipurpose flower design hai ye. Isse aap keychain bhi bana sakte hain, hanging bhi bana sakte hain aur toran bhi bana sakte hain, bookmark ki tarah use kar sakte hain. Iske liye hame do color ki un chahiye. Chaliye banana shuru karte hain. Iske liye maine ये दो कलर की ऊन ली है, 13 नंबर का क्रोशिया लिया है. पहले हमने ये दो उंगली पे सर्कल बनाया. दो, तीन चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से ये हमें 10 बनाने हैं. अब ये 10 बन चुके हैं. इस ऊन को हम यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे खींच लेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा. फिर हम ये लास्ट चेन के साथ इसको जोड़ देंगे. हम बनाएंगे तीन चेन. तीन चेन बनाने के बाद हम पहली चेन में इसको डालेंगे और ऐसे खींचेंगे. दो, तीन, चार, पांच. पांच बार करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे. फिर हम बनाएंगे तीन चेन. इसको हम पलटेंगे और इसकी लास्ट चेन में जोड़ देंगे दो चेन. दो चेन बनाने के बाद हम लाएंगे इसको वापस. अब हम दूसरा कलर जोड़ेंगे. हम दूसरा कलर लेंगे. अब दूसरा कलर लेने के बाद ये कलर हमारा जुड़ गया. अब हमने लिया तीन चेन, फिर उसी तरह बनाएंगे. हम पांच बार खींचेंगे. दो, तीन, तीन चेन. हम इसको पलटेंगे
दो चैन अब हम फिर से ये वाला कलर लेंगे अब ये एक दो तीन चार पाँच 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 पत्तियाँ बनाते हुए ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ है। इसको अब हम इसे यहाँ से जोड़ के कट कर देंगे। अब हम ये दोनों उनको काट लेंगे। कट करने के बाद इनको हम गांठ मार देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब मैं ये दूसरा फ्लावर बनाने जा रही हूँ क्योंकि ये दो आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह। वो कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। पहले फ्लावर की तरह ही हम शुरू करेंगे। जैसे पहले हमने सर्कल बनाया था इसमें नौ सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह बनाते हुए इसको आगे बढ़ना है। पहले फ्लावर की तरह ही ये एक पत्ती हमने बना ली है। अब हम इसे इस फ्लावर की चेन के साथ हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए ऐसे। और फिर थ्री चेन दो चैन वापस हम इसे लाएंगे और दूसरा कलर जोड़ेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पत्ती बनाएंगे। अब हम दूसरी येलो येलो के साथ जोड़ेंगे। तीन चैन फिर वापस लेंगे दो चैन इस तरह ये हम
आपस में हर लीफ को जोड़ते चले जाएंगे। अब ये दोनों फ्लावर बनके तैयार हैं, दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया है। अब हम बनाएंगे चेन। आप ये चेन दो कलर से बनाना चाहें तो दोनों से बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों कलर जोड़ेंगे, और अगर एक कलर से बनाना चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने दो कलर से बनाई है और ये मैं सिंगल कलर से बना रही हूँ, और मैं आपको बता दूंगी कि दो कलर से कैसे बनानी है। हमने ये 30 चेन बनाई है। 30 चेन बनाने के बाद हम इसको वापस यहीं पर लाके ये इस तरह दिखाई देगा। अब हम इस ऊन को कट कर लेंगे। अब ये बचे हुए धागे को हम अंदर कर देंगे। अब इसको हम एक रिंग में डालेंगे। और अटैच कर देंगे। ये हमारा कीचेन रेडी है। इसके नीचे अब हम लगाएंगे लटकन। खाली किचन बनाना है तो आप इतना भी बना सकते हैं, इसके नीचे पोमो लगा के आप इसको लटकन भी बना सकते हैं। अब मैं ये बनाना बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। 10 इंच लंबी ऊन मैंने ली है और इसको मैंने 5 टाइम्स लिया है। फाइव टाइम्स लेने के बाद हम इसे कट करेंगे। इतना ही हम दूसरे कलर की भी लेंगे। ये भी हम 5 टाइम्स ही लेंगे। और इसको बिल्कुल सेंटर में से हम बांध देंगे।
अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया। इसको हम सुई के सहायता से इसमें अटैच कर देंगे। ये इस तरह से आप चाहे तो इस पे एक एक मोती भी टांग सकते हैं दोनों साइड। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी लटकन कैसे बनाएंगे, हम इस तरह से ये की रिंग हटा देंगे और रिंग की जगह हम ये फूल जोड़ेंगे। इस तरह हम इसकी ऐसे लटकन बना सकते हैं। पंख पंख लगा के भी हम इसकी बना सकते हैं। हम इसको हटा दें और इसकी जगह हम पंख पंख लगा के इसकी लटकन बना सकते हैं। अगर हम इसकी बंधनवार बनानी है तो हम ये ऊपर वाली चेन नहीं बनाएंगे और यहाँ बीच में चेन से इसको जोड़ते हुए इस तरह हम बंधनवार भी बना सकते हैं। अभी आप बना के इसको ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।